नमन, मैं आज आपको बेटियों के बारे में कुछ बात बताना चाहती हूँ। बेटियों की मन की बात, जो अपने दुख को खोल भी नहीं सकती कितनी मजबूर है वो बेटियाँ, जो अपने दुख को खोल भी नहीं सकती कितनी मजबूर है वो बेटियाँ, जो खुल के बोल भी नहीं सकती, सारे दुखों को अपने अंदर समा लेती है, सारे दुखों को अपने अंदर समा लेती है और किसी से कुछ नहीं कहती। जो छोटी सी चोट लगने पर रो देती थी अब बड़े बड़े दुख आसानी से झेल जाती है। जो किसी की एक बात सुनने पर चार बातें सुना देती थी, जो किसी की एक बात सुनने पर चार बातें सुना देती थी, अब कोई चार बातें भी सुना दे तो एक लफ्ज नहीं बोलती है। जो किसी को बनूंगी डॉक्टर और करूंगी सबका इलाज, जो कहती थी बनूंगी डॉक्टर और करूंगी सबका इलाज, माँ ने कहा इस दुनिया में कोई नहीं देगा साथ, माँ ने कहा इस दुनिया में कोई नहीं देगा साथ, अपने सपनों को मार कर माँ की बात मानकर दूसरे का घर बसाने चली थी, अपने सपनों को मार कर माँ की बात मानकर दूसरे का घर बसाने चली थी। तो ससुराल में सुन लेती थी सबकी बातें, लेकिन उस बेटी की मन की बात किसी ने नहीं सुनी। जिन नन्हे नन्हे हाथों को पकड़कर माँ ने चलना सिखाया था, उन्हीं हाथों से ससुराल में आज पहली रसोई बनाई थी। बाप ने हर छोटी छोटी बात पर हंसाया था, उन्हीं बातों से सीख लेकर आज अपने घर को बनाया था। जिस लड़की के पास किसी भी सामान की कमी नहीं होती थी, आज रो पड़ी अपनी मांग भरने के लिए, एक सिंदूर की डिबिया के लिए। आंखों में आंसू देखकर माँ ने कहा मेरी नन्ही सी बिटिया कितना कुछ झेल रही है। थैंक यू ऑल।